व्यवस्था विवरण अध्याय 25। व्यवस्था विवरण अध्याय 25। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता, तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना, तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकालकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना।